सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कौन सा आर्टिकल देखा था हमने लास्ट लेक्चर में? यस, याद है आप लोगों को? प्रीफिक्सेस यस, हमने देखे थे प्रीफिक्सेस और एसआई यूनिट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रीफिक्सेस आप इसके बाद याद रखो, ये सभी टॉपिक्स में कहीं ना कहीं ये कन्वर्जन फैक्टर्स आपको आने वाले, याद रखना है, मतलब आपको बाद में पता चलेगा। तो ये स्पेशल जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ है, उस लेक्चर रिकॉर्डेड है वो ऐप में, तो वो ऐप में ये लेक्चर फिर से देख सकते हो। आज हम एक न्यू आर्टिकल देखने वाले हैं। सब लोग अच्छी तरह से ध्यान दोगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तो आपको ये आर्टिकल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीक में जो है आपको इसके प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, और इसके बाद मैंने आपको कहा है कमिंग संडे हम टेस्ट रखने वाले हैं मेजरमेंट्स इस टॉपिक पर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये सैटरडे तक जितना होगा उस पर बेस्ड आपको टेस्ट रहेगी। तो हम क्या करेंगे, अब ये आर्टिकल होने के बाद, एक दो आर्टिकल होने के बाद, आज और कल थ्योरी आर्टिकल, फिर मैं उसके एमसीक्यूज आपको, फिर न्यूमेरिकल्स होंगे हमारे सिर्फ, एंड उसके बाद आपकी टेस्ट होगी। तो बीच बीच में मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स भी दूंगा। ओके ठीक है, ओके सर। ओके। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सो माय डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखो और समझ लो। हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटी देखी, उसमें एक क्वांटिटी हमने देखी है मास, याद है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस, मास ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, तो इस मास के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। एक्चुअली हम देख रहे हैं, हम जो आर्टिकल देखने वाले हैं वह है मेथड, और हम डायरेक्टली लिख देंगे मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ मास। मास को किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं? बिफोर दिस लेट अस सी व्हाट इज मास एक्चुअली। आपको क्या लगता है क्या है मास? हु कैन टेल मी व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। सर यस, किसने बताया? आलोक ने। यस आलोक, करेक्ट है। मास इज द मटेरियल कंटेन इन दैट बॉडी। जरा ध्यान से देखो और समझ लो, मास क्या है? मटेरियल कंटेन इन दैट बॉडी। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसका मास मतलब क्या होता है? सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे पास बॉडी। ओके, तो इस बॉडी में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है? वो पार्टिकल्स, वो मैटर जो प्रेजेंट है इन दैट बॉडी, उसे कहा जाता है मास ऑफ दैट बॉडी और मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वो उस बॉडी का मास है, वो मास। एंड आप कभी कभी एक वर्ड यूज करते हैं वेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, मास एंड वेट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब मास एंड वेट में क्या डिफरेंसेस है धीरे धीरे हम देख लेंगे, बट उसके पहले आप मुझे बताओ, अब मैं जो जो चीजें बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए आप और समझ लीजिए। प्रगति वाया, प्रगति न्यू स्टूडेंट है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। संस्कृति, संस्कृति मास इस फिजिकल क्वांटिटी का, फंडामेंटल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट क्या है? यस, क्या है? केजी मतलब किलोग्राम। एंड सीजीएस यूनिट क्या है संस्कृति? याद है? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। ऐसा यूनिट केजी एंड सीजीएस यूनिट क्या है? ग्राम। क्लियर? यस सर। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये दो पॉइंट से रिलेटेड बात करते हैं। वेट मतलब क्या होता है आपको पता है क्या? वेट मतलब क्या होता है? मैंने आपको, आपने क्वांटिटी जब यूनिट्स बता रहा था मैं, तब आपने किसी ने कहा था वेट का सर यूनिट क्या है, तो मैंने आपको बताया था। यस, वेट मीन्स फोर्स माई डियर स्टूडेंट्स। तो वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। पहला डिफरेंस ध्यान से देखो, मास एंड वेट में डिफरेंस ध्यान से देखो। मास इज मटेरियल कंटेन इन अ बॉडी, एंड व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स।
एक्चुअली वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. तो वेट मीन्स फोर्स एंड मास मीन्स मटेरियल है कंटेन इन दैट बॉडी. तो ये फर्स्ट डिफरेंस है मास एंड वेट में. तो मुझे बताओ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन. न्यूटन. गुड. एंड यूनिट ऑफ मास मैंने बताया केजी. यूनिट ऑफ वेट न्यूटन, क्योंकि वही फोर्स है. फोर्स का यूनिट मतलब वेट का यूनिट. सेकेंड डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. आर यू गेटिंग दिस? यस सर. ओके. ध्यान से देखो. मास इज द बेसिक और यू कैन से फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी. फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का मीनिंग समझ में आया क्या आपको? बताओ मुझे फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मीनिंग समझ में आया क्या आपको? फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी मतलब डियर स्टूडेंट समझ लो. मुझे बताओ यूनिवर्स में ऐसे ऑब्जेक्ट है क्या कि ऑब्जेक्ट है उसको मास नहीं है? नहीं सर. है ऐसा? नो. यस सर. पार्टिकल भी रहा अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अगर कोई भी पार्टिकल का एग्जिस्टेंस है, एवरी पार्टिकल एवरी बॉडी हैज मास. मीन्स मास इज द फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी. हर बॉडी को, हर चीज को मास होता ही है. अगर बॉडी है, पार्टिकल है, तो हम कहेंगे उसे मास. क्लियर है? यस. आलोक फोटॉन जो है वो उसका रेस्ट मास बोलते हैं, वो आगे का पार्ट. लेकिन रेस्ट मास, मूविंग मास वो अलग कॉन्सेप्ट है. समझ में आया क्या आपको? रेस्ट मास, मूविंग मास वो अलग कॉन्सेप्ट है. बट पार्टिकल ऐसा आप मासलेस बोल सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ क्यों ना हो उसको मास होता है. क्लियर है? क्लियर है क्या? अब ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी. बट और एक बात याद रखो, इस मास इज इंडिपेंडेंट ऑन कौन कौन से पार्टी चीजें है जिस पर इंडिपेंडेंट है. वो इंडिपेंडेंट है ऑन प्रेशर ऑफ अ बॉडी. मुझे बताओ सपोज मैंने आपको कहा ये बॉडी इसका मास 5 केजी एंड उस पर प्रेशर इंक्रीज किया, तो उसका मास चेंज होने वाला है क्या? नो. इसको हीट किया मैंने, इसको हीट किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो क्या उसका मास चेंज होने वाला है? नहीं. मीन्स ये इंडिपेंडेंट है ऑन प्रेशर. सेकेंड थिंग, टेम्परेचर, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द स्पेस. इसका मीनिंग समझ लो, बॉडी कहीं भी रहने दो स्पेस में, कहीं पर भी मतलब दूसरे प्लैनेट पर भी रही, कहीं भी स्पेस में, तो उसका मास कभी चेंज नहीं होता है. अब यहां पर एक डिफरेंस मैं बताने जा रहा हूं मास एंड वेट में. आपने सुना है क्या अर्थ सरफेस पर जो वेट है वही मून सरफेस पर रहता है क्या? अर्थ पर एंड मून पर वेट सेम होता है क्या? नो सर. नहीं. वेट कैन चेंज. वेट चेंज हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, बट मास हमेशा कांस्टेंट होता है. स्पेस में कहां पर रखा है अपने बॉडी, उसकी पोजीशन क्या है, उस पर डिपेंड नहीं होता है मास, बट वेट डिपेंड है. आपने अर्थ पर रखा है, मून पर रखा है, दूसरे प्लैनेट पर रखा है, तो वह वेट चेंज हो सकता है, चेंज होता है, बट मास हमेशा कांस्टेंट होता है. क्लियर है? ओके. अब इस मास को हम मेजर कैसे करते हैं उसे सुनो. मास को मेजर कैसे करते हैं? मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स लिख रहा हूं, आप बताएंगे उसको मेजर कैसे करते हैं हम ऑब्जेक्ट. ओके. एंड उसे कैसे मेजर करते हैं उसकी मेथड. सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसे कहा मेरे पास कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं. सपोज ऐसे कंसीडर करो मुझे शुगर मेजर करना है. ओके. कोई भी चीज ये मेजर करना है मुझे, तो आप कैसे मेजर करते हो टेल में? केजी. करेक्ट है. केजी यूनिट हो गया. अब मैं बता रहा हूँ मेथड मतलब प्रोसीजर क्या है, मेजर कैसे करोगे आप, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे? यस. सर हम विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी मेजर करेंगे.
नहीं, मास मैंने आपको कहा मास इज इंडिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी, मास डिपेंड नहीं होता है, वेट डिपेंड होता है। आप जो बात कर रहे हैं ना वो वेट की बात हो रही है। अब मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ, आप ग्रोसरी शॉप में गए, आपने शुगर परचेस की, तो वो शुगर मेजर करके देंगे या नहीं? यस यस सर। आपने कहा 1 kg शुगर चाहिए, तो 1 kg शुगर वो मेजर कैसे करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। कौन से यूनिट में मेजर करेंगे वो मैंने ऑलरेडी बताया, प्राची ने बताया मशीन। ओके, हाँ वो भी है, और जनरल हम बोलते हैं उसको कॉमन बैलेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस समझ में आता है क्या? यस। कॉमन बैलेंस मतलब जिसको आप बोलते हैं तराजू, बराबर है क्या? यस सर। ऐसे यहाँ पर दो पैंस होते हैं, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है, ये कॉमन बैलेंस यूज करते हैं। क्लियर है क्या? दिखाई दे रहा है क्या? ये कॉमन बैलेंस हम यूज करते हैं टू मेजर मास ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स की बता रहा हूं मैं? मास ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है डियर स्टूडेंट्स, उनका मास मेजर करने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि शुगर, तो हम यूज करते हैं कॉमन बैलेंस जो ग्रोसरी शॉप में यूज किया जाता है। अब जो मैंने केजी कहा ना, केजी इज द यूनिट, केजी क्या है उसका यूनिट। अब 1 kg, एक मिनट ध्यान दो सब लोग। अब 1 kg जो है ये आपके एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, दिखाई दे रहा है आप सबको? यस सर। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शुरू से जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ वो पूरे स्टडी के बाद ही आपको एक्सप्लेन होता है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेसिक है तो थरोली होता है, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं जो जो आपको चीजें बता रहा हूँ वो अच्छी तरह से करने की जरूरत है, इतनी बात याद रखो आप। तो मैं जो बता रहा हूँ आप उसे सब लोग ध्यान दीजिए और समझ लीजिए। मास आपको दिखाई दे रहा है, इधर बेस क्वांटिटी है, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, एक मिनट। दिखाई दे रहा है इधर बेस क्वांटिटी सबको? यस यस सर। स्टूडेंट्स उसमें ये मास है एक क्वांटिटी, क्लियर है? हाँ सर। इसका यूनिट किलोग्राम है, इसका सिंबल केजी है। बट मैं आगे और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इसको इसकी डेफिनेशन कौन डिसाइड करता है ये यूनिट्स? मैंने कहा एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये इंस्टीट्यूट ये यूनिट्स डिसाइड करती है। तो इन्होंने एक यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, जो जो मैं बता रहा हूँ उस पर बहुत अच्छा ध्यान होना चाहिए आपका। तो उन्होंने ये डेफिनेशन की, बट जरा अच्छी तरह से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। द किलोग्राम इज इक्वल टू द, क्या है किलोग्राम? 1 kg की डेफिनेशन क्या है? किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर। माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखो, ये जो पेरिस सिटी है फ्रांस में, उसमें प्लैटिनम इरिडियम इसका ऐसा एक सिलेंडर है, ऐसा इस तरह का, एंड ये सिलेंडर वहां पर रखा गया है, वो लैब में रखा गया है, उसको डेली मतलब हम कहेंगे उसको उसका ध्यान रखा जाता है, मतलब उसको क्लीन किया जाता है, ऐसा यहां पर है। लेकिन और एक बात है, इसका जितना मास है वो 1 kg वो फिक्स किया गया है, एंड उसके अनुसार फिर वहां पर वो रेफरेंस स्टैंडर्ड, एंड उसके अनुसार फिर हमारे जो 1 kg का नाप होता है वो बनाते हैं, ये स्टैंडर्ड है। बट और एक बात है, यहाँ पर बहुत सारे बुक्स में, इवन आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी ये डेफिनेशन, बट 2018 में आई थिंक ये डेफिनेशन चेंज हो गई है, ये डेफिनेशन चेंज हुई है। अब वह करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पर डिफाइन किया गया। अब ऐसा क्यों हुआ कि इन्होंने ये 1889 में डिफाइन किया था ये सिलेंडर का मास,
जो 1 kg है, बट बाद में समझ में आया कि उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो अटैच होते हैं और बार बार हम उसको क्लीन करते हैं तो उसके मास में डिफरेंस आता है. तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम उन्होंने करंट के बेसिस पर 1 kg की आप डेफिनेशन की, न्यू डेफिनेशन. ये डेफिनेशन चेंज होते रहते हैं एंड सिर्फ मैं ये नहीं बता रहा, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में इस टेबल के नीचे ये जो लास्ट स्टेटमेंट है वो हमें पढ़ना जरूरी है. सबको दिखाई दे रहा है ना ये? यस सर. हाँ यस सर. क्या स्टेटमेंट लिखा है इस टेबल के, मैं हर बात आपको विद प्रूफ, बिना प्रूफ के नहीं करता हूं, याद रखो. एंड आपका कोई नुकसान नहीं होगा जब मैं बताऊंगा ये छोड़ दो या ये रहने दो, ये करो. तो याद रखना, द वैल्यूज मेंशन हियर नीड नॉट टू बी रिमेम्बर. ये वैल्यूज, ये डेफिनेशंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे खुद एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में लिखा है. एंड नीट एग्जाम के लिए ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है. सिर्फ एक बार एम्स में लेंथ के डेफिनेशन से रिलेटेड आई थिंक ये क्वेश्चन आया था एम्स में, बट अब नीट एंड एम्स एक है तो सब एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अनुसार होने वाला है. ओके, सिर्फ JEE के स्टूडेंट्स इसको लर्न कर सकते हैं, याद रखो. ये देखो यहाँ कहा है, मेंशन यर नीड नॉट टू बी रिमेम्बर और आस्क इन अ टेस्ट, टेस्ट इन द सेंस फाइनल एग्जाम. वो कोई क्लास टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम में वो पूछे नहीं जाएंगे. दे आर गिवन हियर ओनली टू इंडिकेट द एक्सटेंट एक्यूरेसी टू विच दे आर मेजर्ड. कितने एक्यूरेसी आपको पता चले कि ये कैसे मेजर किए गए, इसके लिए दिए गए. विद प्रोग्रेस, ये मैं स्टेटमेंट बताना चाहता हूं, विद प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी द मेजरिंग टेक्निक्स गेट इम्प्रूव्ड लीडिंग टू मेजरमेंट्स विद ग्रेटर प्रीसीजन. अब प्रीसीजन का मतलब बाद में बताने वाला हूं, यहां पर समझने के लिए ऐसा समझो कि एक्यूरेसी हमें बढ़ाना है, प्रिसाइज वैल्यू चाहिए. तो जैसे जैसे टेक्निक्स डेवलप होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, ये जो डेफिनेशंस हैं ये अपडेट किए जाते हैं, ये अपडेट किए जाते हैं. द डेफिनेशंस ऑफ बेस यूनिट्स आर रिवाइज टू कीप अप विद दिस प्रोग्रेस. ये डेफिनेशंस रिवाइज किए जाते हैं. तो ये डेफिनेशंस आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार पढ़ लेना है, उसको पढ़ लेना है. क्लियर हो गया पॉइंट मैंने क्या बताया? Yes. हाँ, ये डेफिनेशन सिर्फ पढ़कर रखना है, उसे एक बार देख लेना है उसे. ओके ओके. हाँ, तो अब देखो जरा ध्यान से. अब यहां पर मैं वैसे बोल रहा था कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट जो है उनका मास मेजर करना है, तो हमें जो मेथड यूज करना है वो कॉमन बैलेंस से. क्लियर? बोलते जाओ सब लोग. Yes, sir. ये सब रिजल्ट ओरिएंटेड है सब. ये अगर आपको स्टडी करना है अच्छी तरह से, अगर आपको लगता है हमारा स्कोर आना चाहिए फाइनल एग्जाम में, तो सिंसियरली वर्क करना जरूरी है, ऑनेस्टली वर्क करना जरूरी है, टू द पॉइंट. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं तो उनको लगता है कहीं ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम तो नहीं है ना, इधर उधर, ऐसा मत करो. रिजल्ट अगर चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, उस लेवल का उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है जो एंट्रेंस एग्जाम में आ रहा है, ये चीजें हमें देखनी होती है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड वह सबसे जरूरी है रिजल्ट के लिए. दूसरी मैं ऑब्जेक्ट बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से देखो, लार्ज मासेस. अब ये लार्ज मासेस मेजर कैसे करेंगे हम? लार्ज मासेस, मासेस मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मुझे बताओ कॉमन अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स का मास मेजर करने के लिए हम कॉमन बैलेंस यूज करते हैं. ये प्लैनेट का मास मेजर करने के लिए ये मेथड यूजफुल है क्या? नो सर. नहीं सर. मुझे अगर मून का मास मेजर करना है तो आप ऐसे कहेंगे क्या, डालो पैन में देखो कितना आता है, होगा क्या? नहीं.
तो अब ये मेथड यूजफुल नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेथड यूजफुल नहीं, उसके लिए दूसरी मेथड यूज की जाती है एंड उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल मेथड। क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल। अब ये देखो, और दूसरी चीज, सिलेबस हमें समझ में आना चाहिए एंड सिलेबस का स्कोप एंड लिमिटेशन भी समझ में आना चाहिए। कॉमन बैलेंस यूज करते हैं बट कॉमन बैलेंस कैसे यूज करना है ये मेथड नहीं आपके सिलेबस। वैसे वह जनरली हम वो तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ग्रेविटेशनल मेथड है कैसे यूज करना है वह नहीं। हमें पहले ग्रेविटेशनल मेथड यूज की जाती है इन मासेस को मेजर करने के लिए, ये याद रखना। एंड ग्रेविटेशनल मेथड बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किस पर बेस्ड ही है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रीवियस स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पार्ट देखा है आपने, लेकिन इसके आगे का पार्ट जो हमें स्पेशल टॉपिक है उसमें हम देखने वाले। फिलहाल आपको याद इतना ही रखना है कि लार्ज मासेस मेजर करने के लिए हमें ग्रेविटेशनल मेथड यूज करना है एंड दिस ग्रेविटेशनल मेथड बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अब ये मासेस मेजर करने के लिए डियर स्टूडेंट्स दूसरे कुछ यूनिट्स भी यूज करते हैं। कुछ यूनिट्स में बता देता हूं आपको, देखो कुछ यूनिट्स। चलो आलोक। यस सर। आलोक, आपको पता है क्या वन टन कितना होता है, कितने केजी होता है, पता है आपको? सर 1000 केजी। वेरी गुड, 1000 केजी। डियर स्टूडेंट, वन टन को वन मेट्रिक टन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वन मेट्रिक टन। वन मेट्रिक टन मतलब 1000 केजी है। कितने केजी है? 1000। हाँ, तो ये यहाँ पर याद रखो कि आपको लगेगा सर बहुत सारे आप नंबर्स बता रहे हो, धीरे धीरे लर्न हो जाते, डोंट वरी। यहाँ अभी इसके बाद कभी भी आया वन मेट्रिक टन, वन टन, तो हमें याद होना चाहिए 1000 केजी। एंड ये ना सिर्फ एग्जाम में आएंगे इसलिए मत याद करो, डेली लाइफ में भी बहुत सारी बार यूजफुल है ये। सपोज आप शुगर केन बेचते फार्मर्स, तो शुगर केन मेजर करने के लिए केजी यूनिट सफिशिएंट है क्या? नो सर। नहीं, तो वह किस में मेजर करते? शुगर केन किस में मेजर करते? टन में या मेट्रिक टन में? बोलते ना शुगर केन 10 टन्स हो गया या तो 5 टन है, बोलते ना ऐसे। तो हमें पता होना चाहिए डेली लाइफ में जनरल ही है कि 1 टन मतलब कितना है। क्लियर है क्या? यस। आलोक आईरे, समझ में आ रहा है क्या? आलोक राज। यस सर। ओके, जनरल है ये टॉपिक, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे तो शुरू का भी पार्ट समझ में आएगा। इंद्राणी। यस सर। 1 क्विंटल कितना होता है पता है क्या आपको? जस्ट नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें जानना है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 केजी। 100 केजी करेक्ट है इंद्राणी, याद रखो आप। 1 क्विंटल मतलब कितना होता है? 100 केजी। एक और मैंने यूनिट बताया था देखो आपको, LB किसका सिंबल है? LB, यू कैन टेल मी ज्योतिर्मय। सो वो केजी के मास, मास का है, लेकिन LB कौन सा यूनिट है? नाम बताया था मैंने, ब्रिटिश सिस्टम, वह है पाउंड। क्या है? पाउंड। पाउंड याद रखो, और उसकी वैल्यू है 0. कितनी? 4456 केजी। ये भी बताया था मैंने। यस सर, बताया था। हाँ, याद रखो। और एक यूनिट है डियर स्टूडेंट, स्लग। स्लग एक यूनिट है, स्लग। 1 स्लग का मतलब होता है 14.57 केजी। बेसिक सिंपल यूनिट से, ज्यादा टेंशन मत लो कुछ भी, याद रखो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, क्लियर है क्या?
ओके समृद्धि यस सर समृद्धि यस सर मुझे सिंपल बता कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स का मास मेजर करने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं कॉमन बैलेंस वेरी गुड एंड लार्ज मासेस लाइक प्लैनेट्स मेजर करना है तो कौन सी मेथड यूज करते हैं ग्रेविटेशनल मेथड किस पर बेस्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गुड अब मुझे बताओ स्मॉल मासेस अगर मेजर करना है स्मॉल मासेस मतलब ध्यान से देखो स्मॉल मासेस लाइक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो क्या इस मासेस को मेजर करने के लिए ऊपर के दोनों मेथड्स यूजफुल है दोनों में से कोई भी मेथड यूजफुल है क्या नो सर नहीं अब सब लोग ध्यान दो मैं बता रहा हूं मेथड कौन सी यूज करना है तो डियर स्टूडेंट्स इन्हें मेजर करने के लिए इन मासेस को स्मॉल मासेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड कौन सी मेथड मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड अब ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड है क्या तो ये हमें नहीं देखना है एक्चुअली बट मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड जो है उसमें आपका मॉडर्न फिजिक्स सेक्शन है उसमें थोड़ा सा पार्ट आने वाला है इसमें क्या होता है चार्ज पार्टिकल जो है कोई भी चार्ज पार्टिकल आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वह डिफ्लेक्ट हो जाता है उसके ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है तब डिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी जो रेडियस है एंड मास है इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड द मास ऑफ दैट चार्ज्ड पार्टिकल बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए मेथड कौन सी मास स्पेक्ट्रोग्राफ एंड इसमें क्या होता है तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है तो डिफ्लेक्ट होते वक्त वो जो पाथ फॉलो करता है उस पाथ की रेडियस एंड मास में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स बट अब और एक यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया कॉमन मासेस हम मेजर कर सकते कॉमन बैलेंस एंड उसके लिए यूनिट यूज कर सकते किलोग्राम ग्राम मिलीग्राम या लार्ज होंगे तो टन क्विंटल पाउंड स्लग बट अब मुझे बताओ ये लार्ज मासेस है तो अब इन लार्ज मासेस को मेजर करने के लिए ये यूनिट्स तो सफिशियंट नहीं है कन्वीनियंट नहीं है तब ये यूनिट्स इनकन्वीनियंट है तो कौन सा यूनिट यूज किया जाता है टू मेजर मास ऑफ प्लैनेट्स स्टार्स तो यहां पर ध्यान से देखो ये जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखो लार्जेस्ट सबसे लार्ज लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास तो माय डियर स्टूडेंट वह है चंद्रशेखर लिमिट कौन सा है चंद्रशेखर यूनिट ये अब आज का पार्ट जो है ना वह इंफॉर्मेटिव यस चंद्रशेखर लिमिट आज का पार्ट इंफॉर्मेटिव है इंफॉर्मेटिव है इसका मतलब वह थ्योरेटिकल पार्ट है सिर्फ याद रखो आप चंद्रशेखर लिमिट उसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं सी एस एल क्या लिखते हैं सी एस एल पूरे वर्ल्ड का है क्या सर ये हाँ बोलो पूरे वर्ल्ड का है क्या नहीं नहीं इसका मतलब क्या है पूरे वर्ड का मतलब क्या पूछना है आपको वो पहले बताओ नहीं मतलब ये चंद्रशेखर लिमिट जो है वो हाँ। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो अपन प्लैनेट वगैरह लार्ज है हाँ। क्या सबसे यस यस लार्जेस्ट यूनिट है बट यहाँ पर एक बात याद रखना ये प्रैक्टिकल यूनिट है वो इमेजिनरी यूनिट्स वो अलग बात है प्रैक्टिकल यूनिट में सबसे लार्ज यूनिट चंद्रशेखर लिमिट अब सानवी ने एक क्वेश्चन पूछा है उसे देखते हैं सानवी का क्या कहना है सर इज चंद्रशेखर लिमिटेड एक्सेप्टेड यूनिवर्सल यस ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है बट सानवी सुन लो ये कोई एसआई यूनिट नहीं है हम ये लार्ज यूनिट देख रहे हैं अब ये कैसा टर्न जो है ना मास का एसआई यूनिट क्या है केजी बट अब हमें लार्ज मासेस मेजर करना है तो एसआई नहीं लार्ज यूनिट्स बोलते हैं
ये सब लार्ज यूनिट्स है। क्या ये लार्ज यूनिट्स, इसमें सिर्फ पाउंड जो है वो एफपीएस यूनिट है, ये लार्ज यूनिट है। एंड सबसे लार्ज यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट जो है वह है चंद्रशेखर लिमिट। क्लियर है क्या आपके क्वेश्चंस के आंसर्स? क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सानवी यस सर। सानवी यस सर। ओके, तो और एक बात सुनो, वन चंद्रशेखर लिमिट की वैल्यू कितनी होती है अब वो समझ लो कितनी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो होती 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन। सन है ना, सन का जितना मास है उसके अप्रोक्सीमेटली डेढ़ गुना, मतलब 1.4 टाइम्स। ये जितनी वैल्यू आएगी वो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स वन चंद्रशेखर लिमिट, वो वन चंद्रशेखर लिमिट। क्लियर है क्या? वन सीएसएल की वैल्यू समझ में आ गई क्या आपको? ओके, मतलब लार्ज मासेस मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज किया जाता है। अब सबसे और दूसरा एक प्रॉब्लम है, देखो हाँ, मतलब इतना लार्ज मास, लार्ज से लार्ज मास हम मेजर कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन यूनिवर्स की है कि सबसे स्मॉल पार्टिकल्स भी अवेलेबल है, मतलब एक एक्सट्रीम बहुत छोटा पार्टिकल, दूसरी एक्सट्रीम एक्सट्रीम सबसे लार्ज मास, मतलब यूनिवर्स का मास भी हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वो भी बता देता हूं मैं बाद में, तेरा ध्यान से देखो। अब हमें स्मॉल मासेस मेजर करना है। अब इसके लिए ना केजी यूनिट सफिशिएंट है, ना ग्राम, ना मिलीग्राम, ना नैनोग्राम, ऐसा भी वर्ड यूज करेंगे प्रीफिक्सेस तो भी वो कन्वीनियंट नहीं। अब यहां पर ये तो सब लार्ज यूनिट है, अब मैं स्मॉलेस्ट यूनिट बताने जा रहा हूं आपको, सबसे स्मॉल, स्मॉलेस्ट। याद रखो सब लोग, ये जनरल नॉलेज में मैंने आपको बताया था, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं तो ये सब पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको केमिस्ट्री में भी यूजफुल है। स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास होता है, वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है क्या सबको? यस सर। डियर स्टूडेंट्स, सबको क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। बारे में थोड़ी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सुनो, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सुनो। ओल्ड बुक्स में इसको एटॉमिक मास यूनिट कहा है, एटॉमिक मास यूनिट ओल्ड बुक्स में। हाँ, तो एटॉमिक मास यूनिट को उन्होंने शॉर्ट में लिखा है एएमयू। कभी कभी वो ओल्ड कन्वेंशंस यूज करेंगे, क्वेश्चन पेपर में आएगा, न्यूमेरिकल्स में आएगा, तो वहां पर आपको याद रखना है एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। बट न्यू साइन कन्वेंशन है, यहाँ पर भी न्यू साइन कन्वेंशन है, एंड वह एटॉमिक मास यूनिट नहीं कहना है, उसको यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहना। दूसरा चेंज, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को यूएमयू ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उन्होंने सिर्फ यू स्मॉल यू लेटर फिक्स किया है। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए आप सबको? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है क्या सबको? आ रही है सर। यस सर। सबको क्लियर है दोनों पॉइंट्स? ओके, अब ध्यान से सुनो, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू, वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है जरा ध्यान से सुनो, वो होता है डियर स्टूडेंट्स 1/12 टाइम्स मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन, कार्बन का मतलब जो लिखते हैं आप मास नंबर एटॉमिक नंबर सबको पता है ना? अरे बोलो, कैसे लिखोगे उसको? C6 12 ना? हाँ वो भी है। अब हमें ये स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास।
ओके तो कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, वह कितना है याद रखो, वो होता है 1.66 इंटू 10^-27 केजी। वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू सबको समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई तो बोलो यस। यस सर, यस सर, यस सर। आपको केमिस्ट्री में भी यूजफुल है एंड फिजिक्स में भी यूजफुल है एंड बहुत सारे टॉपिक्स में आने वाली वैल्यू ये, खास तौर पर मॉडर्न फिजिक्स सेक्शन में हम बार बार यूज करने वाले इसको, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? Yes. बोलते जाओ जरा, ऑनलाइन हुआ तो क्या हुआ, बोल तो सकते ना आप। यस सर। ओके खुशी। यस सर। फिर मैं, सबको समझ में आ गया? वैदेही। यस सर। गुड। यस सर। समझ में नहीं आया तो पूछो। आलोक। यस सर। यस सर। साहिल, आर्को ने जो जो है सबको पूछ रहा हूँ। ओके नए स्टूडेंट्स, खुशी थोड़ा, आलोक, दोनों आलोक, समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके गुड, कुछ स्टूडेंट शायद वेटिंग रूम में थे, सॉरी। रोहन, सुशील देवकर, सुशील रोहन काले ज्वाइन हो रहा है, अब कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसमें कुछ डाउट है क्या बताओ मुझे? नो सर। नो सर। अब एक काम करो अच्छी तरह से, अब ये मैं यहाँ पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल, आपको मैंने कहा नेक्स्ट वीक में आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट में, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। ले लिया। ले लिया। अब यहां से ले लो, यहां से बाकी था तो एक मिनट, यहां तक ले लो, ले लो ये स्क्रीनशॉट। ओके ये एक ले लो, मतलब लगे तो ये ले लो, ऐसे ले लिया। यस सर। क्लियर है? तो बताते जाओ, आज वो स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में थे, मैं नीचे देख रहा था, ठीक है? तो ये एंड इसमें एग्जाम के लिए आप स्मॉलेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू ये याद रखना है, स्मॉलेस्ट ये लार्जेस्ट ये छोटे छोटे पॉइंट्स। क्लियर है यहाँ तक? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो। नेक्स्ट में और मेथड फॉर मेजरमेंट जो दिया है सब एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अनुसार हम जा रहे हैं, जो जो दिया है वह देखेंगे, फिर मैं न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूं एंड फिर मैं मॉर्निंग में ऐसा रखूंगा कि टेस्ट के पहले डाउट सेशन। तान्विका पूछना है कि फिजिक्स के लिए रेफरेंस, वो भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब हमारा टाइम हुआ है तो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा सानवी में, डोंट वरी। ओके अब आपको एक काम करना है, सबको ये थोरोली रिवाइज करना है फर्स्ट लेक्चर टू ये लेक्चर, अब हमारा ये 11th लेक्चर है, अच्छी तरह से रिवीजन करके रखो,